नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सजिटेरियस, ये रीडिंग होगी 24 अप्रैल से लेके मंथ एंड तक, यानी 30 अप्रैल तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता होगा जरूर, क्योंकि आप लोग रीडिंग देखते हो। और इस रीडिंग को आप जनरल तरह से ही लीजिएगा, और एनर्जी भी स्वेप करता रहता है, चेंज होते रहते हैं, ये भी आपको पता ही है, तो इस बात को भी जरा ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि, आप जिनके साथ रिश्ते में थे लेकिन अभी नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, उसका करंट फीलिंग्स क्या है उस इंसान का। 10 ऑफ सोर्ड्स, बाप रे, 4 ऑफ सोर्ड्स, द फूल। आपका पर्सन को, आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया है, ये तो मैं नहीं कह सकती। उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, परेशान किया है, जितनी बड़ी धोखा उन्होंने सोचा भी नहीं था, उतना बड़ा धोखा आपने उनको दे दिया है। इसके लिए वो बहुत परेशान थे, दुखी थे, रो रहे थे, मंदिर जा रहे थे, गॉड को अपना दुखड़ा सुना रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, रात को सो नहीं पाते थे, लेकिन अभी उन्होंने सारी चीज़ों को ख़त्म करके अपने आप में स्ट्रेंथ लाया है, एक परेशानी को ख़त्म करके अपने अंदर एक पावर लाया है उन्होंने, और अपने लाइफ को दोबारा से जीना चाहते हैं। उनको लगता है जो हो गया सो हो गया, अभी मुझे अपना लाइफ दोबारा से जीना चाहिए, नई शुरुआत करनी चाहिए, अपनी मंजिल अपने आप ढूंढना चाहिए, अपनी खुशी से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहिए, ज़ीरो से शुरू करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए रोने से कुछ नहीं होगा, अभी मुझे अपने लिए जीना है, अपने लाइफ को नई तरह से शुरू करना है, ना मुझे किसी की सुननी है, ना किसी की रोक टोक, ना कोई पीछे से मुझे टोके रोके कुछ बताए बोले, जो हो गया सो हो गया, अभी मुझे नई तरह से अपनी लाइफ को चलाना है, नई शुरुआत करनी है। अभी देखते हैं वो चाहते क्या हैं। ये तो उनकी करेंट फीलिंग्स है कि वो दुख से उभर के नई तरह से लाइफ को जीना चाहते हैं। अभी देखते हैं वो चाहते क्या है। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि जो उनके पास है उसको वो देखना भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी अपना इमोशन को कंट्रोल करें। जिस बात से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपने उनको अपमानित किया था या फिर उन्होंने आपको अपमानित किया था, तो वो उस चीज़ को अभी भूलना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं उस चीज़ को याद रख के आपके साथ जो प्यार का जो रिश्ता था वो अभी आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करता है ये आपको वो बताए। वो अपनी मर्जी से अपना रिश्ता अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहते। वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि आपकी खुशी होने से वो खुश हो, आप रोने से वो रोए, आपकी बोलने से वो उठे, आपके बोलने से चले, आपके बोलने से बात करे, वो इस तरह की लाइफ और नहीं चाहते हैं। वो बेटर लाइफ जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो परेशानी पहले था उसको ख़त्म करके, जैसा उनका एनर्जी भी है, वो अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं, अपना इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी के सामने गिर गिराना नहीं चाहते हैं, प्यार के लिए रोना नहीं चाहते हैं,
और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी लाइफ को कंट्रोल करे। वो अपना लाइफ, अपना इमोशन खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी देखते हैं इन दिनों 24 से लेके 30 अप्रैल तक की जो वक्त रहेगा इसमें उनका एक्शन क्या रहेगा। देखते हैं सेजिटेरियस, आपके पर्सन का क्या एक्शन रहेगा इन दिनों 24 से लेके 30 अप्रैल तक की जो वक्त है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो इन दिनों रिस्क लेना तो चाहेगा, रिश्ते में रिस्क लेना चाहेगा, आपकी प्रति उनका अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन वो रुका रहेगा, वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो आपके सामने आया भी, आपसे बात किया भी, तो छोटी छोटी स्टेप लेके आपके सामने आएगा। इतना जितना आप सोच रहे हो कि आएगा और आके आई लव यू बोल देगा, या फिर बोलेगा हाँ मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ या मैं नहीं सकती हूँ, इस तरह का कोई बात वो नहीं बोलेगा। ये जो बंदा या बंदी है ये ऑनेस्ट है, वो रिस्क लेने वाला है, वो जो इंसान वो जानता है सच्चाई, जानता है सच्चाई के राहों में चलता भी है। लेकिन अगर वो अचानक से आपके लाइफ में आके कुछ बोल देगा, कर देगा, ऐसा वो कुछ नहीं करेगा। वो थोड़ा धीरे से चलेगा, एकदम धीरे धीरे आपको लगेगा कोई काम ही नहीं हो रहा है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, एकदम बेबी स्टेप जो होता है, धीरे धीरे वो अपना काम करेगा, आपके लिए इंतज़ार करेगा, आपके लाइफ में फिर से आने के लिए सोचेगा, लेकिन बहुत जल्दबाजी से नहीं, धीरे धीरे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस यानी धनुराशि, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप जल्दबाजी से रिश्ते में परिवर्तन लाना चाहते हो तो ये नहीं होगा। वो अचानक से कुछ नहीं करेंगे जैसा आप सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि अचानक से वो आपके लाइफ में फिर से आ धमकेगा, तो नहीं, वो आएगा भी तो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, आपको लगेगा कि ये इंसान कुछ कर भी नहीं रहा है, रास्ता छोड़ भी नहीं रहा है, मुझे छोड़ भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है, लेकिन वो बोलेगा करेगा धीरे धीरे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। द मून का कार्ड, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि आप अगर दुखी हो, परेशान हो, तो अपने अंदर से उस दुख को निकालिए, लाइफ में नई शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता चल नहीं रहा है, तो आपको नई शुरुआत करनी चाहिए अपनी लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में। हो सकता है आप प्यार के मामले में सोच रहे थे, लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हो, अपने आप को काबिल बनाना चाहते हो, अपने स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो, कुछ भी, आपको लाइफ में नया कुछ सोचना चाहिए। और ये भी है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता है ये स्पिरिचुअल रिश्ता है। हो सकता है गॉड की मर्जी से ये रिश्ता बना है, तो ये रिश्ता इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है रिश्ते में परेशानी है, आप लोग दुखी हो, तो आपको थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है। आप गुरु की शरण में जाइए या फिर किसी बड़ों से सलाह कीजिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए इस वक्त, जो रिश्ते में इतनी परेशानी आ रहा है तो क्या करना चाहिए। आपको थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, आपको किसी बड़ों से सलाह करना चाहिए जो आपको सही सलाह दे पाए। याद रखिएगा, जब भी हम परेशानी में आते हैं तो हमें भगवान ही मदद करते हैं, या फिर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या हमारे गुरु। तो जब अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में इतना परेशानी है और ये परेशानी ख़त्म होने की नाम भी नहीं ले रहा है, तो आपको दुखी मन से रहना नहीं है, दुख को हटाइए, मन से दुख को निकालिए, कुछ नया करने के लिए सोचिए, रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए सोचिए, अपने लाइफ में नया कुछ करने के लिए सोचिए, और आप खुद से एक्शन लीजिए। अगर कोई आपके तरफ नहीं आ रहा है तो आप भी तो जा सकते हो, इसका मतलब तो ये नहीं कि वही आएगा, वही बात करेगा, वही माफ़ी मांगेगा, वही आपसे
अपना दिल की दुखड़ा सुनाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। तो अगर हमको अगर किसी को लगता है कि गलती हमारी है, तो आगे चल के हमें ही बात करना चाहिए। और जब कोई रास्ता ना दिखे तो गॉड की शरण में जाना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।